संसद में स्वच्छता अभियान का आगाज हो गया है और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और इसके अलावा मनोज सांसद इस वक्त हमारे साथ हैं। आपसे जानेंगे यह अभियान संसद में शुरू हुआ है, क्या मैसेज देता है? बहुत बढ़िया मैसेज देता है। ये साबित करता है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में सरकार में आने के बाद जो प्रोजेक्ट शुरू किया था, उस समय ये एक सरकार का प्रोजेक्ट था। आज सही माने में ये जन आंदोलन बन गया है और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं आंकड़े देखता हूँ, जो हमने टारगेट सेट किए थे अपने लिए शौचालय बनाने के, देश भर में सारे शहर इलाके जो हैं उनको ODF बनाने में हमें सफलता मिली है। और मैं स्पीकर साहब को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, क्योंकि पार्लियामेंट जो है ये डेमोक्रेसी का मतलब घर है और 123 करोड़ जनता की एस्पिरेशंस यहाँ पे है। और अब यहाँ पार्लियामेंट से ये हर एक स्टेट असेंबली में जाएगा और हमारे जो डेमोक्रेटिक रूट्स है, तो जैसे मैंने कहा, एक सरकारी प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी जन आंदोलन बन गया, अब ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भी और सही माने तगड़े तरीके से जुड़ जाएगा। मनोज तिवारी जी, आपसे जानेंगे ये जो अभियान शुरू हुआ है और खासतौर से अगर देखें दिल्ली के नज़रिए से, वहाँ पर जो MCD BJP के पास है स्वच्छता अभियान को लेकर कई सवाल भी उठते हैं, लेकिन अगर संसद में अभियान शुरू हो रहा है तो क्या मैसेज देता है और उसको लेकर आप देश भर में क्या अभियान शुरू करेंगे? देखिए, गांधी जी के सपनों को साकार बनाना है और सबसे पहले अपना परिसर सुंदर और साफ बनाना है। क्लियर मैसेज है। थैंक्स टू स्पीकर सर, उन्होंने जो इनिशिएट किया है, संसद से गांव तक गांधी जी के सपनों का भारत बनाएंगे। और अगर देखें तो ये जो जब संसद से शुरुआत होती है तो एक बड़ा मैसेज भी देती है, ऐसे में दूसरी पार्टियों के सांसद कमोबेश यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, जबकि स्पीकर की ओर से बुलाया गया था, एक पार्टी का अभियान बनकर रह गया ऐसा लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये कई और लोग भी थे, लेकिन हमें इसमें जाना नहीं है। कभी आप शुरुआत करेंगे ना तो फिर उसको धीरे 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 एक जगह से पानी डालेंगे तो खेत में पूरे खेत में जाएगा। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो पानी डालना शुरू किया है वो पानी पूरे खेत में फैलेगा। स्वच्छता के प्रति हमारा जो लक्ष्य है वो हम प्राप्त करेंगे और 150 वर्ष के गांधी जी के भारत को हम लोग एक सच्ची जो स्वच्छता का देना है वो का मैसेज देना है वो देखे। और यहाँ पर सांसदों ने इस वक्त झाड़ू पकड़ लिया, स्पीकर खुद अभियान चला रहे हैं, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं और इसके अलावा जिस तरीके से जो आप देख सकते हैं कि संसद भवन में झाड़ू हाथ में लेकर के चल रहे हैं, अब स्वच्छता का अभियान शुरू हुआ है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये अभियान और जो संसद भवन में शुरू हुआ है प्रहलाद जोशी राजनाथ सिंह इसको कर रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती है और उनको इस तरीके से श्रद्धांजलि दी जा रही है कि संसद परिसर में खुद ओम बिरला जी, संसद भवन परिसर में स्वच्छता अभियान का आगाज हो गया है और इसका मैसेज देते हुए स्पीकर, केंद्र में मंत्री और सांसद झाड़ू उठाए हुए हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज दिल्ली।